नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR जोन में। मित्रों, दो इंसानों के मध्य, दो लोगों के बीच, पुरुष पुरुष हों, स्त्री स्त्री हों, स्त्री पुरुष हों, अगर उनके मध्य, उनके बीच कोई ऐसी समस्या आ गई है कि उनका संबंध, उनका रिश्ता खराब हो रहा है, कोई आपको छोड़कर जा रहा है, दूर जा रहा है, मनमुटाव इस कदर बढ़ गया है कि बातचीत भी बंद हो गई हो, मित्रों, एक बहुत ही सरल परंतु बहुत ही शक्तिशाली उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे आप करें। वो इंसान जो आपसे नाराज हो गया है, रूठ गया है, चाहे वो औरत है या आदमी, तुरंत वापस आएगा आपके पास, आपको मनाएगा, आपकी मिन्नतें करेगा, अपने प्यार को जाहिर करेगा और आपसे कहेगा मुझे माफ़ कर दो। बहुत ही सरल उपाय है मित्रों, आपने इस उपाय को पूरे विश्वास, पूरे यकीन से कर लेना है और फिर स्वयं आप देखेंगे इसका चमत्कार। उपाय को शुरू करने से पहले अपने हाथ, मुंह, पैर अच्छे से धो लें। एक स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, यानी जिस ओर से सूर्य उदय होता है उस ओर, ईस्ट दिशा की ओर मुख करके बैठें। किसी भी रंग का आसन कपड़ा बिछा लें, लकड़ी की चौकी हो वो भी आप बिछा सकते हैं। और आपने अपने साथ क्या करना है मित्रों, हरी इलायची के, साबुत इलायची आपने अंदर के दाने नहीं निकालने हैं, छिलके समेत आपने हरी इलायची लेनी है, उसके 8 दाने लेने हैं। उन 8 दानों को मित्रों आप किसी पात्र में रखेंगे, प्लेट में रख लें, कटोरी में रख लें, किसी पर भी रख लें। साथ में आपने थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा 1-2 चम्मच के अनुमान कच्चा दूध ले लेना है। उस दूध को आप अपने सामने रखेंगे, इलायची के जो दाने होंगे वो आपकी ओर सामने ही उस दूध से पहले होंगे, 8 दाने, यानी उसका पात्र अलग और वो पात्र अलग, लेकिन एक ही दिशा में सामने की ओर आपके बाद, यानी जैसे आप बैठे हैं सबसे पहले इलायची के दाने होंगे, उसके बाद कटोरी होगी दूध की। अब आपने क्या करना है, इलायची का एक दाना उठाना है और उस इंसान का नाम लेकर जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसको आप अपने करीब लाना चाहते हैं, उसका नाम लेकर, मुख्य नाम, प्रमुख नाम ही आपने पुकारना है और एक बीज मंत्र बोलना है, अयोंग, और इस इलायची के दाने को उस दूध में डाल देना है। जब आप इतना कर लें मित्रों, उसके बाद आपने क्या करना है, जितने बाकी के 7 दाने हैं उन्हें उठाएं, अपने उल्टे हाथ पर मुट्ठी में बंद कर लें, ऊपर से रखें अपना सीधा हाथ और उस इंसान को आंखें बंद करके विचारते हुए, सोचते हुए आपने यही अयोंग शब्द 11 बार बोलना है। अयोंग, 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 ये आपने 11 बार फिर बोलना है। जिस समय आपने इलायची का दाना दूध में डाला उस समय आपने मात्र 1 बार बोलना है अयोंग, लेकिन जब आपने मुट्ठी में बंद किए बाकी के 7 दाने, उसके बाद आपने 11 बार ये मंत्र पढ़ना। अब उन सभी दानों को उल्टे हाथ से ही दूध में डाल दें, कच्चे दूध में डाल दें। उस दूध को आपने एक स्थान पर रख देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 मिनट के लिए ढक कर रखें, किसी भी वस्तु से, उसी प्लेट से भी ढक सकते हैं जिसमें आपने इलायची रखी थी, आप उसे ढक दें। 11 मिनट ढकने के बाद आपने ढक्कन को हटाना है, जो प्लेट है उस ढक्कन को हटाएं और जो इलायची के दाने हैं उसमें से 1 दाना आप अपने मुख में रख लें, कहने का अर्थ है खा लें, बाकी के 7 दाने दूध समेत या तो आप तुलसी के पौधे पर गिरा दें, नीम के वृक्ष पर गिरा सकते हैं, या आप किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर घास हो उसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत चमत्कारी उपाय है मित्रों, यहां आप इस उपाय को करेंगे, इस टोटके को करेंगे और वहां सामने वाले इंसान के दिल में, उसके मन में आपको लेकर तड़प और बेचैनी उठ जाएगी और वो अपने आप खिंचा चलाएगा आपकी ओर, रात दिन सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, 3 से 4 दिन में ही खुद सामने आकर खड़ा होगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको मनाएगा, मिन्नतें करेगा आपकी और अथाह प्रेम उसके मन में आपके लिए पैदा हो जाएगा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना, खुश रहें। नमस्कार।